Now, in this theory, just let us put understand it in parts first of all. We have to first understand what is alienation. Alienation hai kya? है ना, एलिनेशन है क्या, इसको समझना फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट टास्क है. एंड देन एलिनेशन एंड सोसाइटी, रीजंस एंड मैकेनिज्म्स. एलिनेशन एंड सोसाइटी, इसको आप कह दीजिए एलिनेशन एंड हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म ऑल्सो. चाहे कि थ्रू आउट हिस्ट्री एलिनेशन कैसे हर मोड ऑफ प्रोडक्शन में, हाउ एलिनेशन इज इमर्जिंग एंड व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ दैट एलिनेशन, कैसे होती है ये. ठीक है. एंड फाइनली थर्ड स्टेप इन दिस इज डी एलिनेशन, कि कैसे जो सोसाइटी है इट विल बिकम फ्री फ्रॉम एलिनेशन. ये तीन डायमेंशंस हैं इस डिस्कशन के. ठीक है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, जैसे हमने मार्क्स व्यूज ऑन सोसाइटी किया था पहले, लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड मार्क्सियन कंसेप्शन ऑफ इंडिविजुअल, कि उसके दिमाग में एक इंडिविजुअल की अजम्पशन क्या है, कि इंडिविजुअल है क्या. आर वी सिंपली मशीन्स, आर वी सिंपली एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मटीरियल कंडीशंस. व्हाट मार्क्स अज्यूम्स अबाउट इंडिविजुअल, बात क्वेश्चन समझ रहे हो. जैसे मैंने अभी पीछे एग्जाम्पल दिया कि इन वट एवर मटीरियल कंडीशंस यू स्टे या यू वर्क, यू विल बिकम अकॉर्डिंग टू दैट. इससे व्यू ये मिलता है कि मार्क्स ये कह रहा है कि इंसान कुछ नहीं है, ही इज़ अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ मटेरियल कंडीशंस, यही कह रहा ना. बट दैट विल बी अ इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिविजुअल. सो एक बॉक्स आइटम लिखो पहले कि व्हाट इज मार्क्सियन कंसेप्शन ऑफ इंडिविजुअल. ये अलग से क्वेश्चन आपको आ सकता है. जैसे उसमें जब सोसाइटी की हमने कंसेप्शन करी थी तो मार्क्स हमने स्टार्ट किया था इन ऑर्डर टू सर्वाइव मैन मस्ट प्रोड्यूस. अब यहां पे हमने क्या, किस अजम्पशन से स्टार्ट करता है मार्क्स, लिखो जी. अकॉर्डिंग टू मार्क्स ह्यूमन बीइंग इज फंडामेंटली अ सोशल एनिमल. ह्यूमन बीइंग इज फंडामेंटली अ सोशल एनिमल फुल स्टॉप. He is influenced by society. Social तभी बनता है. At the same time, he also has some fundamental nature. Also has some fundamental nature. जब मैं कहता हूँ सोशल एनिमल तो वो एनिमल भी है. एनिमल, व्हेन आई से वर्ड एनिमल देन आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ अ बायोलॉजिकल बीइंग, इजंट इट. मतलब उसकी कोई एक बायोलॉजिकल बीइंग है, उसकी एक कोई फंडामेंटल नेचर है जो सोसाइटी से परे है, कहने से. एंड व्हेन ही बिकम्स सोशल एनिमल दैट मीन्स नाउ दैट एनिमल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सोसाइटी. वेरी सिंपल. है ना. सो मार्क्सियन, मार्क्स अजम्पशंस अबाउट इंडिविजुअल रिवील्ड, मार्क्स अजम्पशंस अबाउट इंडिविजुअल रिवील्ड रिवील्ड अ ह्यूमनिस्टिक साइड ऑफ a humanistic side of him full stop.
देर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिविजुअल, वो कहता दो एस्पेक्ट्स हैं इंडिविजुअल के, देर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिविजुअल, वन इज बीइंग एंड सेकेंड इज सोशल बीइंग. वन इज बीइंग एंड अदर इज सोशल बीइंग. बीइंग इज फंडामेंटल टू इंडिविजुअल, फंडामेंटल टू इंडिविजुअल, हिज बेसिक नेचर, हिज बेसिक नेचर इरिस्पेक्टिव ऑफ सोसाइटी. कि किस सोसाइटी में वो रहता है नहीं रहता, वो उसकी बेसिक नेचर है. मैं एग्जाम्पल दूं इसका, कोई दे सकता है एग्जाम्पल इसका? हम सब देखते हैं ये, छोटा बच्चा मे बी एक साल का, डेढ़ साल का, उसको सोसाइटी से कोई लेना देना नहीं है. वो चाहे अमीर का है, चाहे वो गरीब का है, चाहे वो पंजाब का है, चाहे वो केरला का है, चाहे वो, छोटे बच्चों की हरकतें सबकी सेम होती हैं. वो कोई चीज़ तोड़ के खुश होते हैं ताले. देख लो, हर बच्चा माँ बाप के कपड़े पहन के, जूते पहन के वो इमिटेट करता ही करता है. कुछ ऐसी हरकतें हैं बच्चे की, बच्चों ने दीवारी काली करनी करनी है. बच्चों ने आलतू फालतू क्वेश्चन पूछने ही पूछने हैं. ऐसा क्यों? अब वो बच्चा चाहे वो एक झोंपड़ी में रह रहा है, चाहे वो एक महल में रह रहा है, उसकी हरकतें वही हैं. उसको नहीं पता, वो किसी के साथ भी खेल लेगा, किसी बच्चे के साथ, छोटे बच्चे, वो उसको नहीं पता अमीर गरीब क्या होता है. उसको तो जो पसंद आया उसके साथ खेलने लग जाएगा वो. फिर पेरेंट्स कहें नहीं 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 निकला. तो ये चीज़ हम भरते हैं उसके दिमाग में ना, कि उसको नहीं खेलना, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, वैसे करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है. तो कहते हैं अब ये उसकी अजम्पशन है. डू यू एग्री विद दिस अजम्पशन दैट वी ऑल हैव सम बेसिक नेचर विच इज कॉन्स्टेंट, विच इज इरिस्पेक्टिव ऑफ सोसाइटी, विच इज इरिस्पेक्टिव ऑफ कंडीशंस. दैट इज द बींग, द असेंशियल नेचर ऑफ एन इंडिविजुअल बींग, आपके अंदर की बींग. अकॉर्डिंग टू मार्क्स द बींग ऑफ एन इंडिविजुअल is based on creativity. Is creativity. Full stop. He states within quotes, being is essentially creative. Being is essentially creative. अच्छा एक बात बताओ, आप ये क्वेश्चन लिख रहे हो, जैसे आपने कल टेस्ट में क्वेश्चन लिखे है ना, क्या आंसर लिख के अपने आप जब आंसर लिखते हो, डू यू फील हैप्पी? जब भी कुछ अपने आप हम करते हैं, वो बचपन की कोई पोएम आपने लिखी थी याद करो, या कुछ आपने कोई कागज संभाल संभाल के रखे होंगे, कोई कार्ड संभाल के रखे होंगे, क्या आपकी बचपन की यादें आपने संभाल संभाल के रखी हुई हैं? कोई एक एग्जाम्पल दे सकता है मुझे? ही इज अ कीन ऑब्जर्वर, मार्क्स इज अ कीन ऑब्जर्वर. ये बड़े जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, थिंकर्स होते हैं, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ों को देखते हैं. तो छोटी छोटी चीज़ों से ही थ्योरीज बनती हैं, अंडरस्टैंडिंग बनती है. कोई चीज़ याद कर सकते हो जो आपके पास पड़ी है बचपन की, आपने ऐसे रखी हुई है? अपने बताओ, एक बताओ कोई चीज़ कि मैंने ये रखी हुई है, मैं कभी कभी आ जाती है सामने. डेफिनेटली वो चीज़ आपने खुद बनाई होगी, आपने खुद बनाई होगी वो. वही चीज़ से हम एसोसिएट करते हैं. कोई चीज़ आप खरीद के आपने लाए हो ना, वो नहीं, उससे नहीं आप कभी भी एसोसिएट होते इतने ज़्यादा. कोई छोटी सी चीज़ चाहे बेकार सी हो, कुछ भी हो, ऐसी पेंटिंग, जैसे मेरी आदत है बिकॉज ऑफ सोशोलॉजी, उसी बच्चे थे छोटे जब, उनका काम होता है कि अभी आजकल स्कूलों में सब में कलरिंग बहुत कराते हैं, तो बच्चे वो इधर रंग डाल दिया उधर रंग, पेपर पे कुछ ना कुछ खचपच करते रहते हैं. तो मैंने कहा 8-10 उनकी जो खचपच थी वो जो खुद करी हुई थी वो मैंने फ़ोटो फ्रेम करके घरों पे लगा दी दीवार पे. आज तक उसको देख के बच्चे खुश होते हैं, मैंने बनाई थी.
that is a constant source of amusement for them, because they are able to associate with it. बाकी इतने खिलौने पड़े हैं जो मार्केट से खरीदे गए थे, कुछ नहीं, वो चार दिन की बात. पर वो छोटी सी चीज़ जो खुद बनाई, कि भाई ये डब्बा था उसको खुद सजाया, कुछ कुछ लगा के, स्टार्स लगा के, वो संभाल के रखा हुआ है, उसको नहीं हाथ लगाने देते हो कि ये नहीं हाथ लगाना, बाकी कुछ नहीं ले लो.